तो आज फिर ज़ुबैदा नहीं आई है, जैसे कि वो एक्सपेक्टेड था पहले ही कि वो आज नहीं आएगी, तो उस वजह से कपड़ों का एक और अंबार है और ज़ुबैदा जो है वो क्लीनिंग और सारा करती है, वो मतलब जो कपड़े वॉश करना है वो सारा ज़ुबैदा ही करती है। लेकिन ज़ुबैदा जो है वो अपने कुछ मामलात की वजह से आज कल नहीं आ पा रही, तो मैं ज़्यादा उसको फोर्स भी नहीं कर सकती क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। तो बहरहाल ये मेजर काम है घर का, तो अभी सारा जो है मुझे ही करना पड़ेगा, तो बच्चों को लगाऊंगी साथ और करूंगी काम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो ऑफिस से मैं आ चुकी हूँ और आकर आज मैंने अपने नेल्स कट किए हैं सबसे पहले, क्योंकि मेरे नेल्स काफ़ी बड़े हो गए थे और घर के काम करने की वजह से नेल्स जो है वो रफ भी हो जाते हैं। स्पेशली आप जब बर्तन धोते हैं और कपड़े धोते हैं तो आपके नेल्स जो हैं वो रफ़ हो जाते हैं, तो आप एवरी 2 वीक्स जो है नेल्स को ट्रिम कर लें, तो वो फिर जो है उनकी क्वालिटी भी सही रहती है और आपके हाथ भी साफ़ रहते हैं। तो अनाया जो है वो कुची को लेके घूम रही है और उसको अभी शावर देना है, उसको साफ़ करना है और ये साइकिल पर इंजॉय कर रहा है। ये ज़्यादा कोशिश ये करता है कि हमारे साथ ही गुजारे टाइम। क्यों अनाया? अच्छा। कहाँ जा रहा है ये? कहाँ लेके जा रही हो? कहाँ बैठे हुए? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो देखे उसको साइकिल में, वो कितने आराम से बैठा हुआ है, बेबी बना हुआ है। हम कहीं और जा रहे हैं। कहाँ? अमेरिका जा रहे हैं हम। अमेरिका साइकिल पे जा रही हो? हाँ। अच्छा, और हम जा रहे दो, चलो जाओ। अच्छा, ये साइकिल पे जा रहे हैं अमेरिका? ये यूट्यूबर है ना? आलू गोश्त का सालन, तो उसके ऊपर बस मुझे धनिया हरी मिर्चें डालनी है, तो ये रेडी है। अब मैंने बनाए प्लेन राइस सैलेड, ये जो है बना के रख दी है, जिसमें खीरा है, प्याज है, लेमन है, सॉल्ट है। यहाँ पे बैठी हुई है ये आवाम, और मैंने आज अपना फेस भी क्लीन किया है, फेस के ऊपर भी बहुत डर्ट थी, तो आप देखें मेरी स्किन सारी, मैंने इस वक्त अपनी फेस की क्लीनिंग की है सारी। और ये है कि मैं इसके लिए वो ट्रिमर्स यूज़ करती हूँ, मेरे पास ट्रिमर्स होते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स जो भी होते हैं वो स्किन के ऊपर से रिमूव हो जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको अपने कॉस्मेटिक्स में वो दिखाई भी थी किट, मैं आपको दोबारा दिखा दूँगी। मेरे पास कंप्लीट किट है जिसके अंदर आप फिर सारी ट्रिमिंग वगैरह और क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैं फेस वैक्स करवाती हूँ तो वो भी समझ लें 1-1.5 महीने बाद ही करवाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता और इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। बस ये होता है कि डेड स्किन वगैरह जो है वो स्किन से रिमूव हो जाए और फेस जो है क्लीन रहे। बाकी ये कि वैसे ही मैं अपना फेस क्लीन रखती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक किसी फेशियल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी या ऐसे मामलात की। लेकिन यस, मैनी पैडी मैं करवाती हूँ, लेकिन वो सिर्फ काशी से करवाती हूँ, बिकॉज ऑफ एम्बियंस और सर्विसेज बहुत अच्छी हैं वहाँ पर। लेकिन बहरिया के अंदर आज तक मैंने मैनी पैडी नहीं करवाया, और काशी जाने के लिए मुझे 1.5-2 घंटे, मतलब मुझे पूरा एक दिन चाहिए अपने सारे कामों के लिए, तो अपनी सारी चीज़ों को निगलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो और भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो बस जब वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह मैनी पैडी भी कराएँगे, आपसे शेयर भी करेंगे। तो लंच लग चुका है, राइस है, आलू गोश्त है और दाल है और सैलड है और साथ रोटी है। चलो भैया आ जाओ खाने के लिए। तो जैन यहाँ पर हाज़िर हो चुका है, तो अभी का सीन ये कि कुछ चीज़ें रह गई थी जो अभी ली नहीं जो इतने ना, तो मैं आया हूँ लेने वैसे, तो असल में ना मटन वो बनती है ना बीफ बिरयानी, तो उसके लिए ना क्या कहते हैं अदरक लहसुन तो ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर तो बनती नहीं है, और बाकी की छोटी मोटी चीज़ें हैं ना वो भी ला दी, तो मैं तुम लोग आप लोगों के साथ ज्वाइन करता हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने सब सामान ले लिए, ये वाला थोड़ी ही अलग है मेरा, बाकी जो सामान है ना ये सब मैंने अलग लिए। और हाँ वो क्या कहते हैं लहसुन और अदरक ना वो भी लेना है, तो बस वो रह गया। ये मैंने अपने लिए लिए क्योंकि मैं हमेशा से ही मुझे पकड़ लेती हूँ बचपन से, मतलब जब मैं छोटा था ना तब मैं ज़्यादा ही पीता था, तो सामान मैंने ले लिया, अदरक लहसुन भी ले लिया, तो अब जा रहे हैं लाल रोटी के पास, लोहड़ी वाले के पास। तो ये है क्या कहते हैं गार्लिक नान जो बन रही है, ये वैसे ना अच्छी है वैसे, बहुत अच्छी है, कभी ट्राई करूँगा क्योंकि गार्लिक नान। और यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं,
तो रोटी भी हमने ले ली, वैसे आज इस बार हमने ना ली थी क्योंकि वैसे भी हम खा रहे हैं बिरयानी, तो सुबह के लिए हमें बस ज़रूरत होती है नान की, तो बस हमने ले लिया। अब जा रहे हैं श्रीनगर वापस। बाकी ये मैं व्यू दिखा देता हूँ आपके पूरे इसका, और आज चांद भी आप निकला हुआ आप लोग देख सकते हैं। बाकी पूरी ये गैलरी है इस साइड पे ना, आपने भी देखा होगा ब्लॉग्स में ना, क्योंकि रोज़ मैं ये टूर करता हूँ ज़्यादातर। और मस्जिद भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, मस्जिद रफ़ी जो बहुत अच्छी है। वैसे अंदर से इन लोगों ने एसी वैसे बनाया हुआ है, और बाहर का जो व्यू है ना वैसे नॉर्मल है, मतलब अंदर का जो है ना सारा मस्जिद एक तरफ से एसी नहीं लगा हुआ, लेकिन एक तरफ से एसी लगा हुआ है, वो पूरा बाहर का यहाँ पर व्यू बना हुआ इन लोगों ने। यहाँ पे लोग आते हैं वैसे ज़्यादातर गाड़ियों में ना, तो विलर्स भी यहाँ पे क्योंकि थोड़े दूर दूर भी है वॉकिंग डिस्टेंस में, तो ये अच्छी जगह है वैसे ना माशाल्लाह। ये है मस्जिद रफ़ी जो बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। अंदर ये वाली जो साइड है ना ये एसी की है, यहाँ पे जो मेन एंट्रेंस है वो नॉर्मल वाली साइड है जहाँ पर पंखे लगे हुए होते हैं, और जो बाहर है ये पूरा टेंट लगाए हुए अब क्योंकि कल है जुम्मे की नमाज़, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कल मैं आपको दिखाऊँगा अंदर से। और यहाँ से मैं सीधा वॉक करते हुए जा रहा हूँ घर। अब याली साइड से तो मैं खैर जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ से मैं मोस्टली आता हूँ, लेकिन अभी अंधेरा है, तो जाहिर सी बात है सीधे रास्ते से जाना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा सेफ रहेगा, तो मिलता हूँ घर में। तो यहाँ से मैं वॉक करूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादातर जो बाइक वाले हैं ना माशाल्लाह से इनकी लाइटिंग आएगी। अब खैर मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ तो आपको बता दूँ। तो अब मैं रोड के बीच वाले फुटपाथ पे आ गया हूँ, तो अब ये आपको मैं रोड का रिव्यू देता हूँ। रोड जो बनाई ना बहरिया ने माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, मतलब अब आप देखें M9 मोटर पे तो ये रोड वैसे जो है ना 5 लेन रोड है, और जो M9 रोड है M9 जो बनाया है ना वो 3 लेन का है वैसे, मतलब 5 लेन ये और 3 लेन वो वाला। तो आप देख सकते हैं बाइक वाले साइड पर जा रहे हैं तो अच्छी बात है, साथ में ये लेन बहुत बड़ी है। और खाली से इसी में क्रॉस कर रहा हूँ आराम से आपको दिखाते हैं। आगे बंदर अनायत भी क्या खा रही हो? नूडल्स भाई, ये सलाद है। क्या चल रहा है? बीफ बिरयानी बना रही हूँ जुरेब की फरमाइश पे। काफी टाइम के बाद बीफ खा रहे हैं हम लोग, तो हिम्मत नहीं होती ना जैन, इतने कपड़े धोने के बाद इतने काम करने से और लेट भी हो गया काफी। अब तो आज तो 10 बज गए हैं अभी तक खाना नहीं बना है, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है तो कपड़े इतनी मुश्किल से धुले हैं, मुसीबत हो गई है। क्या चल रहा है? मैच। मैच कहाँ चल रहा है? इसको तुमने क्या किया हुआ है? बैठा हुआ है आराम से बैठा हुआ है। तुम ना इसको छोड़ती नहीं है बिल्कुल भी नहीं। है मम्मा के पीछे कवर किया हुआ दुपट्टे में, और मम्मा ये पानी ले लें। अभी तो प्यास का हाथ है यार, प्यास की स्मेल आ जाएगी अभी, पी लेती हूँ। पता है वहाँ मंगाया वहाँ रख दिया, वहाँ मंगाया वहाँ रख दिया मैंने, इतनी देर में भगेगा वैसे खाना। हमारे सामने है ये देखो, ये मैंने चलाई भी है बीफ की यखनी, तो इसके हाफ के मैं कबाब बना लूँगी शामी कबाब, और हाफ में जो है बीफ बिरयानी बना लूँगी, और साथ मैंने ये जो है बिरयानी के उसके राइस का पानी रख दिया है, और ये चने की दाल मैंने भिगोई हुई है कबाब के लिए ना, तो शामी कबाब भी बन जाएंगे। अब क्या कर रही हैं यार? लहसुन ही नहीं मिला, 3 दिन हो गए हैं लहसुन अदरक ख़त्म हुआ हुआ है। आ भी नहीं रहा ना मैं। नहीं तो क्या मसला है इनके साथ यार? सप्लाई का मसला है। लहसुन अदरक इतना मुश्किल होता है खाना लहसुन अदरक के बगैर बनाना, तो ये मैंने साबित लहसुन मंगा लिया इसके लिए ना, ताकि ये कि एटलीस्ट जो है खाने के अंदर मैं गोश्त बना सकूँ, बीफ या जो भी बनाए अगर बीफ या मटन हो उसके अंदर, तो बगैर चिकन के काम ही नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, चिकन के बगैर होता ही चिकन, मतलब मुझे तो लहसुन अदरक के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सही, जब तक उसका भगा स्मेल आ रही है वैसे तो उसकी भी ना। हाँ बहुत ये ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत
इसमें तुम्हें पता है बीमारियों के इलाज है और बहुत फायदेमंद है ये लहसुन अदरक जो है ना, इससे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर हर चीज़ कंट्रोल हो जाती है। सही, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये लहसुन अदरक। आप लोग भी अपने खाने में इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें और ग्रीन चिली यूज़ करें, लेमन यूज़ करें, लेकिन लहसुन अदरक तो मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल करना। मैंने देखा है कुछ लोग नहीं करते, लेकिन लहसुन अदरक मैंने का थोड़ा सा है। और आप सब कह रहे होंगे कि मैंने दुपट्टा क्यों उड़ा हुआ, क्योंकि मैं भी नहाई हूँ और बाल। टमाटर मेरी फेवरेट चीज़ है वैसे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मटन बिरयानी मसाला, तो इसका भी फ्लेवर वैसे ही आएगा। और मैंने ये बोल के अंदर और पोटैटोज़ डाले, टोमेटोज डाले, योगर्ट डाला, अदरक लहसुन डाला है, और अब इसके अंदर मैं यखनी के साथ जो है वो बीफ भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ बीफ मैंने गला लिया है और बीफ मैं निकाल रही हूँ बिरयानी के लिए, जितनी मुझे ज़रूरत है उस हिसाब से, ताकि क्योंकि इतना बीफ मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, खाते हैं चिकन है तो इनको इतना हजम भी नहीं होता, तो मोर देन इनफ है इनके लिए वन वीक में ये मीट। बेटा आपने पानी नहीं पिया क्या? बस खाना चढ़ा लूँ फिर पीती हूँ। जल्दी अभी पी ले ना, गर्म हो जाता है यार पानी बार बार। इधर रख देती हूँ, उधर अभी पीती हूँ इसमें। गर्म बहुत देर हो गया ना, आज 10:15 हो रहे हैं, अब तक हमने खाना नहीं बनाया। यहाँ प्याज फ्राई हो रही है, बहुत भूख लग रही है जैन को, तो भूख लग रही है क्योंकि हम मैक्सिमम 10:30 हमारा जो है ना वो डाइनिंग का टाइम है, तो आज बस मेरी वजह से क्योंकि मैं कपड़े धोने में बिजी थी और पानी का प्रेशर नहीं आ रहा था, तो बस बहुत मैं थक भी गई और देर हो गई। और प्लस ये गोश्त भी एक बहुत बड़ा टमाटा बना आज, वो पता है वो राइडर 18 में बैठा हुआ था और जैन जो है वो ढूंढता रहा उसको जाकर, और मिलता ही मिला ही नहीं, मिला नहीं, वो पता चला किसी और अपार्टमेंट में बैठा हुआ था, पता ही नहीं। ये थोड़ी सी यखनी भी हम ऐड कर रहे हैं और राइस यहाँ बॉईल हो रहे हैं, बस ये बॉईल हो जाए और ये थोड़ा सा हो जाए तो फिर मैं तय लगा दूँ। बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, बीफ बिरयानी, बस हम इसको निकालने जा रहे हैं। अब फाइनली रेडी हो गई है, इंतजार ही करिए खत्म। तो खाने में बन गई है बिरयानी, रायता और आलू गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह। और अनाया को देखें, अनाया ने मुड़ा हुआ मेरा दुपट्टा और खाना के लिए बैठी है। चलो बिस्मिल्लाह करो अनाया, चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो। हाँ मैंने कबाब भी जो है चढ़ा दिए हैं और ये दोपहर के मेरे लंच का काम भी हो गया है, बस सिर्फ इसको मुझे पीसना होगा, उस पर मैं कोशिश करूँगी इसको सिल के ऊपर पीसूँ। तो रात के तकरीबन बज रहे हैं 1:30 और अभी जो है मैं किचन से निकली हूँ क्योंकि मैंने कबाब का मसाला चढ़ाया हुआ था, तो बस उसका मैं वेट कर रही थी कि कबाब का मसाला तैयार हो जाए, ताकि ये कि कल फिर लंच के लिए जो है ना मुझे मसला ना हो। तो अनाया भी आ गई है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम किया था आज आपने? ना। करो अस्सलाम वालेकुम। और अपना फिगर भी दिखाओ, और फिगर भी दिखाओ जूबी का, जूबी का फिगर लेके आई हो। जुहेब के पास ना ऐसे कॉस्टमाइज बहुत टॉयज हैं और जो इसके बचपन के हैं और इसने अब तक संभाल के रखे हैं। देखो यूट्यूब फैमिली क्या कर सकता है, ये देखो, दिखाओ, ये देखो। ओहो भाई ये रेस्लर है, तो ये बड़े एक्सपेंसिव आते हैं और दुनिया में जहाँ जहाँ इसने ट्रैवल किया है ये वहाँ से ख़रीदे हैं, और सालों साल की इसकी कलेक्शन है, बहुत बड़ी कलेक्शन है इसके पास सारी रेसलर्स की। फैमिली आज हम द वेब का बॉडी वेदर लेके आए हुए, देखो, और आज तो द वेब सो गया नहीं, वो खेल रहा। हेलो यूट्यूब फैमिली, ये गुना आज हम खाना बनाने
क्या खेल रही हो? अच्छा चलो, इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। गुड नाइट बोल दिया अपनी यूट्यूब फैमिली को? बोलो इट्स टू लेट। और यहाँ फैसिलिटेशन वाले आए हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, अपनी सफाइयाँ शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ सारे स्टोर रूम है और वहाँ से सामान लेने आए हैं। आया चलो चलो, गुड नाइट करो, सबको गुड नाइट करो इधर। और कलमा पढ़ के सुनाओ, ला इलाहा। हाँ सुनाओ। वाह, मेरी बेटी को पहला कलमा तैयब भी आता है। काम किया है, बहुत एग्जॉस्ट हूँ आज, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी व्लॉग बनाने की भी। और ये इतनी मुँह पे जो लिपस्टिक आप देख रहे हैं ना, ये लिपस्टिक नहीं है, मैंने लिप बाम यूज़ किया हुआ है। मेरे पोर जो है सारे ड्राई हो रहे थे, तो उस वजह से जो है माम लगाया है। और इतनी थकान, इतनी नींद आई रही मुझे काम कर करके। तो अनाया अपनी साइकिल इसने ली थी अभी कुछ महीने पहले, और ये साइकिल जो है इसके व्हील का कुछ मसला आ गया, तो अभी एक इसको रिपेयरिंग के लिए मुझे भेजना है। लेकिन इसने आज नहीं, अच्छा नहीं, अनाया कह रही मुझे रिपेयर नहीं करवाना, उस वजह से मैंने इसको अब तक भेजा नहीं है। मेरी डॉल है ना, मेरी बात सुनती है ना। अरे टू फैमिली, आज हम कुछ अच्छा बनाने वाले, तो ये देखो मेरी मम्मा की बाल में एक ब्रेसलेट बन गया। चले जी, मैं भी हूँ बहुत थकी हुई, और ये भी मुझे तंग करती रहेगी, और मुझे अब एडिट करके व्लॉग को डालना। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में जल्द आपसे मिलेंगे। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।